हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीर बॉल्स। घर में जब मेहमान आ जाएं, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। पनीर को हमने क्रश कर लिया है और इसको हाथों की मदद से आप चाहें तोड़ भी सकते हैं या ग्रेटर से घिस भी सकते हैं। अब हमने इसमें प्याज डाल दी है, शिमला मिर्च डाल देंगे और बारीक कटा हुआ गाजर डाल देंगे। इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। अगर आप धनिया पत्ती खाना पसंद करते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। जितना हमने पनीर लिया है उसका आधा हम मैदा ले लेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसकी हम बॉल बनाना शुरू करेंगे। अगर बॉल नहीं बन पा रही है तो 2-3 बूंद पानी भी डाल सकते हैं। अब बॉल बनकर तैयार है, सारी बॉलों को इसी तरीके से बना लें। इन सभी को डूबे हुए तेल में तलें। हल्का ब्राउन होने के बाद ही इसको पलटना शुरू करें। अगर आपने इसको पहले ही पलटा तो सारी बॉल्स फूट सकती हैं। सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं। इसे हरी चटनी और टमाटर सॉस के साथ सर्व करें। पनीर बॉल्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।